हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं विषय हिंदी 2022-23 की कार्य पुस्तिका पर कार्य करेंगे। यह कार्य पुस्तिका समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल एमपी बोर्ड के द्वारा जारी हुई है। इसमें हम आज अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम के प्रश्न और उत्तरों को देखेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, देखेंगे हम अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र शिक्षक के नाम। हे शिक्षक, मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि ना तो हर व्यक्ति सही होता है और ना ही होता है सच्चा, किंतु तुम्हें सिखाना होगा कि कौन बुरा और कौन अच्छा। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं। स्वार्थी राजनीतिज्ञों के साथ साथ समर्पित नेता भी होते हैं। दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं। हर विरूपता के साथ सुंदर चित्र भी होते हैं। समय भले ही लग जाए, पर यदि सिखा सको तो उसे सिखाना कि पाए हुए पांच से अधिक मूल्यवान है स्वयं एक कमाना। पाई गई हार को कैसे झेले उसे यह भी सिखाना, और साथ ही खिलाना जीत की खुशियां मनाना। यदि हो सके तो उसे ईर्ष्या या दोष से परे हटाना और जीवन में छिपी मौन मुस्कान का पाठ पढ़ाना। जितनी जल्दी हो सके उसे जानने देना कि दूसरों को आतंकित करने वाला स्वयं कमज़ोर होता है। वह भी भयभीत और चिंतित है क्योंकि उसके मन में स्वयं चोर होता है। उसे दिखा सको तो दिखाना किताबों में छिपा खजाना उसे वक्त देना चिंता करने के लिए कि आकाश के परे उड़ते पंक्षियों का आह्लाद, सूर्य के प्रकाश में मधुमक्खियों का निनाद, हरी भरी पहाड़ियों से झांकते फूलों का संवाद कितना विलक्षण होता है, अविस्मरणीय अगाध। उसे यह भी सिखाना धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है और अपने विचारों पर भरोसा रखना अधिक विश्वसनीय है, चाहे अन्य सभी उसको गलत ठहराए, परंतु स्वयं पर अपनी आस्था बनी रहे यह विचारणीय है। आगे देखेंगे हम बच्चों, उसे यह भी सिखाना कि वह सदैव हो किंतु कठोर के साथ हो, और लकीर का फकीर बनकर उस भीड़ के पीछे ना भागे जो करती हो निरर्थक शोर। उसे सिखाना कि वह सबकी सुनते हुए अपने मन की भी सुन सके, हर तथ्य को सत्य की कसौटी पर कसकर गुन सके। यदि सिखा सको तो सिखाना कि वह दुखी मैं भी मुस्कुरा सके, घनी वेदना से आहत हो पर खुशी के गीत गा सके। उसे यह भी सिखाना कि आंसू बहते हो तो उन्हें बहने दे, इसमें कोई शर्म नहीं, कोई कुछ भी कहता हो कहने दे। उसे सिखाना वह सनकियों की खनकियों से हंसकर टाल सके, पर अत्यंत मधुभाषी से बचने का ख्याल रखे। वह अपने बाहुबल और बुद्धिबल का अधिकतम मोल पहचान पाए, परंतु अपने हृदय व आत्मा की बोली न लगाए। वह भीड़ के शेर में भी अपने कान बंद कर सके और स्वयं की अंतरात्मा की सही आवाज़ सुन सके, सच के लिए लड़ सके और सच के लिए अड़ सके। उसे सहानुभूति से समझाना पर प्यारे के अतिरिक्त से मत बहलाना, क्योंकि तप तप कर रही लोहा खरा बनता है, ताप पाकर ही सोना निखरता है। उसे साहस देना ताकि वक्त पड़ने पर वह अधीर बने, सहनशील बनाना ताकि वीर बने। उसे सिखाना कि वह स्वयं पर असीम विश्वास करे ताकि समस्त मानव जाति पर भरोसा और आस धरे। यह एक बड़ा सा लंबा चौड़ा अनुरोध है, पर तुम कर सकते हो क्या, इसका तुम्हें बांध है, मेरे और तुम्हारे दोनों के साथ उसका रिश्ता है। सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है,
हिंदी भावनानुदात मधुपंत अगस्त 2004। यह जो अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम, इसमें अपने अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र को सारी शिक्षा अच्छी और अच्छे से अच्छे उसे किसी प्रकार से कोई भी ऐसी तथ्य ना सिखाएं जिससे कि वह लड़का जो है आगे भविष्य में अपने सफल ना हो सके, उसे सारी परिस्थितियों को समझा करके सारी स्थितियों को समझा करके और उसे पढ़ाएं, ऐसा जो है पत्र अब्राहम लिंकन के द्वारा अपने पुत्र के शिक्षक के लिए लिखा गया है। तो इसी के हम प्रश्न के उत्तर देखेंगे कार्यपत्रक एक पे। तो बच्चों हम देखेंगे सूत्र लेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो इसमें बच्चों आपको जो है आपके विद्यालय के शिक्षक के द्वारा या शिक्षिका के द्वारा आपके कक्षा कक्ष में आपसे सूत्र लेखन कार्य करवाया जाएगा, जिस पर आप कितना सही लिखते हो इसकी जांच आपके शिक्षक करेंगे। यह कार्य जो है आपको करना है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम कार्यपत्रक दो। तो कार्यपत्रक दो में दिए गए शब्दों के अर्थ सहित वाक्य बनाइए। शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य हमको बनाना है। अब देखिए शब्द है और उसका अर्थ है और उस वाक्य में प्रयोग। तो पहला जो है हमें उदाहरण के रूप में यहाँ पर प्राप्त हुआ है मृदुभाषी। तो मृदुभाषी का अर्थ होता है मीठी वाणी बोलने वाला, और उसका वाक्य में हम प्रयोग करेंगे तो कैसा हो जाएगा, हमें सदैव मृदुभाषी होना चाहिए। इसी प्रकार सम्माननीय शब्द है और उसका अर्थ है सम्मान के योग, वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, मेरे शिक्षक सम्माननीय है, इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग कर लेंगे। अविस्मरणीय का मतलब होता है ना भुलाने योग, जिसको हम कभी भूल नहीं सकते उसका अर्थ होता है, और उसका वाक्य में प्रयोग कैसे रहेगा कि खंडवा मेरे लिए अविस्मरणीय है, इस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम फरिश्ता। तो फरिश्ता क्या होता है, इसका अर्थ है भगवान का दूत। अब इसका जो है वाक्य में प्रयोग हम कैसे करेंगे, हमें बुरे समय में शांत देने वाला फरिश्ता होता है। और भी आप जो अच्छा शब्द यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं कर सकेंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम आगात, यह हमारा शब्द है और इसका अर्थ होता है बहुत अधिक। तो यहाँ पर वाक्य में प्रयोग हो जाएगा मुझे ईश्वर में आगाध श्रद्धा है, इस प्रकार वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम शब्द है सहानुभूति, तो इसका अर्थ होता है दया की भावना, और इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हमें निर्धारणों से सहानुभूति रखना चाहिए, इस प्रकार से हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे। इसके बाद देखेंगे कनखिया, तो ये इसका अर्थ होता है आँखों की कोरों से, आँख की जो कोर होती हैं उसका मतलब होता है, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, हमें कुछ बातें कनखिया से रखना चाहिए। इसके बाद देखेंगे बच्चों बाहुबल, तो बाहुबल का मतलब होता है भुजाओं का बल, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे पहलवानों में बाहुबल होता है। इसके बाद देखेंगे अगला शब्द हम अंतरात्मा, अंतरात्मा के अर्थ का मतलब होता है मन की आवाज़, इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों देखेंगे, हमें अपनी अंतरात्मा की बात सुननी चाहिए, इस प्रकार वाक्य में हम प्रयोग कर देंगे। इसके बाद में शनक्या, शनक्या का मतलब होता है बाद बात में गुस्सा करना वाला, इसका जो वाक्य में प्रयोग है तो शनक्यों से सदा दूर रहना चाहिए, इस प्रकार हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम कार्यपत्रक तीन। अब कार्यपत्रक तीन में क्या है, तो इसमें देखेंगे कार्यपत्रक तीन में नीचे दिए गए प्ररूप के अनुसार अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। अनौपचारिक पत्र का प्ररूप, यहाँ प्ररूप दिया हुआ है और इसमें हमको जहाँ जहाँ हमको लिखना है वहाँ हम लिखेंगे। तो पत्र भेजने वाले का पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन और संदेश, तो इन शब्दों में हमको लिखना, प्ररूप दिया हुआ है। यहाँ हम लिख देंगे रेलवे स्टेशन के पास खंडवा, यह हमारा क्या हो गया, पता हो गया। अब यहाँ हो जाएगी दिनांक, दिनांक को लिखेंगे। यहाँ संबोधन किसको लिख रहे हैं आप, मित्र को लिख रहे हैं, तो प्रिय मित्र लिख देंगे। इसके बाद अभिवादन कैसे करेंगे आप, नमस्ते करके करेंगे, तो नमस्ते यहाँ पर लिख देंगे। और संदेश क्या रहेगा आपका, तो संदेश में हम देखेंगे कि तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, यह जानकर बहुत ही प्रसन्नता हुई कि आने वाले सप्ताह में तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, तुम आगे भी इस तुम्हारे ऐसे सभी कार्यों में सफलता मिले, तुम्हारा मित्र रमेश
सुरेश जो भी है वो यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ है पत्र लिखे लिखने वाले का या भेजने वाले से संबंध, तो पत्र लिखने वाले का नाम संबंध, मित्र संबंध मतलब मित्र, और लिखने वाले का नाम जो भी नाम है जैसे हमने लिख दिया। इस प्रकार यह कार्यपत्रक समाप्त हो जाती है बच्चों। इसके बाद देखेंगे कार्यपत्रक चार। कार्यपत्रक चार में क्या है, कार्यपत्रक चार में निम्नांकित चिन्ह के सामने उनके नाम लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमको चिन्ह दिया गया है, उनके नाम लिखना है कि कौन कौन से चिन्ह है, नाम और उदाहरण। अब चिन्ह देखेंगे, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ प्रश्नवाचक नाम हो जाएगा, और उदाहरण देखिए क्या तुम कल स्कूल गए थे, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, देखिए आप तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो है ऐसा लग जाएगा। इसके बाद देखिए आप ये वाला जो चिन्ह है वो विस्मय आदिबोधक है, विस्मय मतलब आश्चर्य वाली बात, विस्मय आदिबोधक है, और उदाहरण जो है अरे जैसे थोड़ा रुक के जैसे बोलते हैं अरे, वहाँ चिन्ह लगा देंगे पानी आ गया, इस प्रकार से उदाहरण हम प्रस्तुत कर देंगे। इसके बाद देखिए ये वाला चिन्ह जो है अर्धविराम है, अर्धविराम जो है इसका नाम है। अब यहाँ उदाहरण लिख देंगे थोड़ी देर रुको, अर्ध रुको, रमा आ जाएगी, तो इस प्रकार से इस चिन्ह का हम उपयोग करेंगे। इसके बाद देखिए ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, अल्पविराम है, अल्पविराम देखेंगे हम दुकान से साबुन, अल्पविराम तेल, अल्पविराम नमक, अल्पविराम ये लाना है, तो ये अल्पविराम का उपयोग जो है ऐसे होता है। फिर देखिए आप यहाँ पर एक चिन्ह दिखाई दे रहा है माइनस जैसे चिन्ह का, तो ये योजक चिन्ह है, और योजक चिन्ह जैसे बहन भाई के बीच में लगता है, माता पिता के बीच में लगता है, तो ऐसे इसमें माता पिता यहाँ चिन्ह लगा हुआ की सेवा करनी चाहिए, इस प्रकार से इस चिन्ह का उपयोग हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो है उदाहरण चिन्ह है, उदाहरण चिन्ह कब लगता है बच्चों, देखें उसने कहा और उदाहरण चिन्ह लगा मैं कल जाऊँगा, तो यहाँ पर इस प्रकार चिन्हों का उपयोग होता है। तो बच्चों इस प्रकार कार्यपत्रक जो है को हल करना है। आगे देखेंगे हम निम्नांकित वाक्यों में से यथास्थान उचित विराम चिन्ह लगा करके वाक्य पुनः लिखिए। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या एक आपका कुत्ता है, तो इसमें चिन्हों का प्रयोग करना है, तो क्या ये आपका कुत्ता है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब अरे तुम जा रहे हो, तो यहाँ विस्मयवाद अरे तुम यहाँ चिन्ह लग जाएगा, तुम जा रहे हो, इस प्रकार से इसको हल कर देंगे। इसके बाद देखिए मेरी टोकरी में आम केला सेब आदि फल है। अब यहाँ क्या है, मेरी टोकरी में जैसे हमने अभी पढ़ा था कि कैसे अल्पविराम का उपयोग करते हैं, है ना, मेरी टोकरी में आम ब्राम के अल्पविराम केला फिर सेब आदि फल है, इस प्रकार इसका उपयोग हो जाएगा। फिर उसे यह भी सिखाना धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है। यहाँ देखिए आप उसे यह भी सिखाना, यहाँ पर कामा लगा है, धोखे से असफल होना सम्माननीय है, इस प्रकार हम यहाँ पर विराम चिन्हों का उपयोग करेंगे। इसके बाद देखिए दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं। अब देखिए आप दुश्मनों के साथ साथ यहाँ पर बीच में जो है चिन्ह लगा हुआ है, दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं, साथ साथ इस प्रकार से इसको लिख देंगे। फिर सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। अब यहाँ लिख देंगे सच मानो, यहाँ फिर मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है, इस प्रकार हम इसमें विराम चिन्हों का उपयोग कर देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम कार्यपत्रक पाँच। कार्यपत्रक पाँच में रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। सुंदरता प्रेरणता दुश्मनों जीत असफल अच्छा। नंबर एक में दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श, यहाँ हो जाएगा प्रेरणता भी होते हैं, यहाँ रिक्त स्थान में हम क्या भर देंगे बच्चों प्रेरणता। इसके बाद देखिए आप खाली दूसरा नंबर का है रिक्त स्थान के रिक्त के साथ मित्र भी होते हैं, तो यहाँ दुश्मनों के साथ मित्र भी होते हैं, यहाँ पर दुश्मन
के साथ मित्र भी होते हैं। तीसरा देखिए, हर विरूपता के साथ क्या होती है, खालिस्तान भी होती है। तो यहाँ सुंदरता होती है, यहाँ सुंदरता लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम चौथा नंबर का, हार के साथ खालिस्तान की खुशियाँ मनाना, जीत की खुशियाँ मनाना। फिर यहाँ धोखे से सफलता पाने से खालिस्तान होना सम्माननीय, तो यहाँ असफल हो जाएगा। और यहाँ छठवें में क्या है, बुरा है कौन और खालिस्तान है अच्छा कौन, तो यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार यह जो है कार्यपत्रक 5 तक हमने हल किए, 6 और 7 भी हम इसके बाद कार्यपत्रक 6 को देखेंगे। तो मिलते जुलते अर्थ की युग में बनाइए, तो यहाँ पर मिलते जुलते यहाँ पर युग में जो है हम बनाएंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों हम चुप के, चुप का मिलता जुलता है चाप, लंबा का चौड़ा, ठीक का ठाक, दुख का सुख, आचार का विचार। यहाँ पर देखिए आप विचार में हमने तुक में लाए हैं। फिर आस का पास, उछाल का कूद, तन का बदन, खेती की बाड़ी और जैसे के तैसे। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक 6 में हल किया बच्चों। इसके बाद देखेंगे हम कार्यपत्रक 7। कार्यपत्रक 7 में हम देखेंगे अपने मित्र को प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखिए। तो यहाँ हम लिख देंगे बधाई पत्र में देखेंगे सब्जी मंडी मार्ग जबलपुर, जो भी स्थान आप लिखते हैं लिख सकते हैं, हमने उदाहरण के तौर पर आपको लिखा है। दिनांक लिख देंगे जो भी दिनांक रहेंगे। प्रिय मित्र संबोधन ऐसे लिखेंगे, प्रिय मित्र नमस्ते, आज सुबह अखबार में मैंने तुम्हारा नाम प्रवीण सूची में देखा, तुम्हें प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बहुत बहुत बधाई, तुम जीवन में आगे भी इसी तरह सफलता प्राप्त करते रहो, तुम्हारा मित्र। इस प्रकार से हम कार्यपत्रक 7 में अपने मित्र को प्रवीण सूची में प्रथम स्थान आने पर पत्र बधाई पत्र लिखेंगे। तो ये थी बच्चों आज जो है हमने देखा अब्राहम लिंकन का पत्र है अपने पुत्र के शिक्षक के नाम। इसी तरह और आने वाले वर्कशीटों पर कार्य करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।